ताज नगरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। ब्राज शो शर्मा आगरा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और ये जो महिला दिवस है, इसे हमने एक दिवस में ना समेटते हुए पूरे एक हफ्ते तक मनाया है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हमने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। जैसे सर ने आपको बताया कि हमने एक नुक्कड़ नाटक के जरिए पैसेंजर्स को भी और अपने स्टाफ को भी एक संदेश दिया कि महिला आज की डेट में बहुत सशक्तिकरण से परिपूर्ण है। और दूसरा, हमने एक क्विज कॉम्पिटिशन का आयोजन किया, निबंध लेखन का आयोजन किया। हमने बाहर से एक महिला जज को बुलाकर हमने महिलाओं को बताया कि आपके क्या लीगल राइट्स हैं। उसके अतिरिक्त आज जो हमने ये मार्च रखा है, मतलब रन फॉर हर, इसके द्वारा हमारा संदेश था कि जितने भी लोग हमारे कांटेक्ट में आएंगे उन्हें पता चले कि आज के महिला को किसी सिक्योरिटी की इतनी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपने देखा होगा तो आज का जो हमारा विमेन सिक्योरिटी लगा हुआ है आगरा कैंट स्टेशन पर, वो भी सारे विमेन हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोगों के आज के दिन जो हमारी लोकल ट्रेन्स रन हो रही हैं उसमें भी सिक्योरिटी हमारी विमेन है। तो आज के इस युग में मतलब महिला को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट वो एक सिक्योरिटी की तरह एक्ट कर रही है। तो यही हमारा संदेश है कि एक जेंडर इक्वालिटी और वुमेन का रियल रूप में एम्पावरमेंट, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे लीगल हो, हर तरीके से। डबल महिलाओं को काम करना पड़ता है, ऑफिस में काम संभालना पड़ता है, घर पर भी जाके काम करना पड़ता है। उसे हम डबल काम ना मानते हुए कहेंगे कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ड्यूटी है। तो इसके लिए तो मैं हर महिला का एक मतलब सराहना करती हूँ कि वह अपने घर में ही नहीं, ऑफिस में भी दोनों जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे बखूबी निभा पाती हैं और दोनों ही रोल में निखरती हैं। पुरुषों का जिस तरीके से सहयोग मिलना चाहिए अपनी पत्नी को, क्या मिल पाता है क्या? बिल्कुल, आज के युग में मुझे लगता है कि पुरुष इस तरीके से नहीं देखते हैं कि अगर महिला थक कर ऑफिस से आ रही है तो हम घर में काम नहीं करेंगे या खाना नहीं बनाएंगे। या महिला सुबह, इनफैक्ट मैं अपना एग्जांपल दूं तो आज जब सुबह मैं तैयार हुई हूँ तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए नाश्ता बना के दिया कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है तो आप जाइए, आप इवेंट करिए, आप ऑफिस करिए, आज मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ। एक हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, 1 तारीख से 10 तारीख तक हम लोग सभी दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखे हुए महिला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए। और उसी कार्यक्रम में के तहत हम लोगों ने जैसे नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया, कुछ वगैरह भी किया है। उसके तहत ही आज हम लोगों ने एक रन फॉर हर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हम लोगों ने डियाराम ऑफिस से लेकर यहाँ तक एक मार्च और रन का आयोजन किया। और उसी के साथ आपको संभवतः पता ही होगा, आज हमने एक ऑल वुमेन ट्रेन भी चलाया, जिसमें हमारे चालक दल, हमारा जो अदर ट्रेन ऑपरेटिंग क्रू है, गार्ड और ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर्स, और हमारा जो सिक्योरिटी स्टाफ, वो भी सारा हमने महिला रखा है आज के दिन उस ट्रेन में। इसी के साथ आप देखेंगे कि हमारे यहाँ रेगुलर तौर पे भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जहाँ पर महिलाओं का रेगुलर योगदान रहा है। जैसे बुकिंग में हमारे यहाँ बहुत दिन आप ऐसे पाएंगे नॉर्मल कोर्स में भी कि ऑल महिला, क्योंकि हम कोई उसमें भेदभाव नहीं रखते कि, तो ऑल महिला बुकिंग क्लर्क एक टाइम एक ही शिफ्ट में मिल जाएंगे। तो इस तरह के बहुत हम लोगों ने आयोजन किया है। कल हमारे आरपीएफ की जो शक्ति वाहिनी स्क्वाड है, उन्होंने महिला यात्रियों को गुलाब का फूल दिया और 182 का जो हेल्पलाइन है हमारी, उसके बारे में जानकारी दी, जिससे उनको कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है।